नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा चुनेचा आपके लिए लाइव हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। हाई कोर्ट में वकीलों ने वीरवार को जमकर किया हंगामा, मीडिया कर्मियों से भी की बदसलूकी। पंजाब सीएम कप्तान अमरिंदर सिंह की पत्नी से 23 लाख की ठगी करने वाले गिरफ्त में। हरियाणा में बना रिकॉर्ड, बेटियों की जन्म दर में हुई वृद्धि। हरियाणा में पीजीटी शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। भीमटॉक हत्याकांड में 24 दोषियों को उम्र कैद, हाथ पैर काट कर मारा था। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद पंजाब की एक कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई। शिक्षकों के तबादले करने वाला सॉफ्टवेयर जल्द होगा तैयार। चिंतपूर्णी जा रही पंजाब रोडवेज की ब्रेक फेल, गाड़ियों से जा टकराई। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को दिया तोहफा, मिलेगा हर महीने 15 GB फ्री इंटरनेट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्कर गिरफ्तार, बैंकॉक से ला रहे थे करोड़ों का सोना। अब खबरें विस्तार से। हाई कोर्ट में वीरवार को वकीलों ने जमकर किया हंगामा। वकीलों ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विरोध प्रदर्शन कवर करने पर मीडिया के कैमरे तोड़ दिए। गेट नंबर 1 पर महिला का केस था, वकील उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसके विरोध में महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वकीलों ने मीडिया को इस विषय पर कवर करने की मनाही की। जब मीडिया ने कवर करने की कोशिश की तो वकीलों ने एक चैनल के कैमरामैन पर हमला कर उसका कैमरा तोड़ दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर से 23 लाख की ठगी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए लोगों से 693 सिम कार्ड और 19 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि परनीत कौर के साथ नई दिल्ली में संसद सत्र के दौरान 23 लाख ठगी हुई थी। मामला यह है कि आरोपी ने खुद को SBI का बैंक मैनेजर बताते हुए कहा कि आपकी सैलरी डालनी है, जल्दी से अपना खाता, आधार, ATM नंबर बता दें, क्योंकि देर होने पर सैलरी अटक जाएगी। हरियाणा सरकार का दावा है कि पहली बार प्रदेश में बेटियों की जन्म दर 918 तक पहुंची है। इस प्रकार वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 920 के पार पहुंचने का अंदाजा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी गई। डॉक्टर गुप्ता ने उपायुक्तों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आने वाले समय में PGT शिक्षकों का संकट नहीं रहेगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की को PGT के 3864 पद भरने की मंजूरी दे दी है। सरकार की स्वीकृति के बाद 7 अगस्त को आयोग ने पद भरने की अधिसूचना जारी कर दी है। विभिन्न विषयों के इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 अगस्त से 5 सितंबर 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बहुचर्चित भीम टांग हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपाल सिंह की अदालत ने गुरुवार को प्रसिद्ध शराब व्यापारी व अकाली नेता शिवलाल डोडा समेत 24 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। एक अन्य दोषी को 4 साल की सज़ा सुनाई गई, वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का असर शुरू हो गया है। इसके साथ ही वहां औद्योगिक विकास को पंख लगने की उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर पंजाब का उद्योग समूह ट्राइडेंट ग्रुप जम्मू कश्मीर में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ग्रुप के इस फैसले का अन्य औद्योगिक घरानों पर भी असर पड़ने की संभावना है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादलों के लिए अगले हफ्ते से सॉफ्टवेयर बनाने का काम शुरू होगा। गुरुवार को राज्य सचिवालय में NIC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच तबादला नीति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ने शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले करने के लिए नेशनल इन्फॉर्मेटिव सेंटर को सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी है। भरवाई से चिंतपूर्णी आ रही पंजाब रोडवेज की स्पेशल बस की ब्रेक फेल हो गई। इस दौरान उक्त बस ने विपरीत दिशा से आ रही गाड़ियों व बस के आगे चल रही कारों को रौंद दिया। पंजाब रोडवेज की बस श्रद्धालुओं से पूरी तरह भरी हुई थी। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए दिल्ली वासियों को फ्री वाईफाई देने का वादा पूरा किया है। उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली में कुल 11,000 जगहों पर
हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, जिससे दिल्लीवासी हर महीने 15 GB डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे। यह सुविधा पूरी तरह फ्री होगी। IGI एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9.5 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। तस्कर बैंकॉक से दिल्ली आए थे। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने लाल रंग के टेप में सोना छिपा रखा था। इसकी आपूर्ति दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर की जानी थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।